नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रुद्रा इंस्पिरेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस के पिन वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपका एडसेंस का पिन आपके पास आया है तो आप उसको किस तरीके से वेरीफाई करोगे और गलती आपसे ना हो, ताकि फ्यूचर में आपके चैनल को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, किस तरीके से आप उसको वेरीफाई करें। साथ ही साथ एक दो बात आपको मैं ऐसी बताऊँगा जिससे आपको जो है आपको पिन मंगाने में भी आसानी रहेगी तो और कोई परेशानी नहीं होगी आपके चैनल को भी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था, 2 साल पहले जब चैनल बनाया था तो गूगल का एडसेंस का अकाउंट भी जो है मैंने साथ ही साथ बना लिया था। बनाने के बाद जो है मैंने उसको कभी खोल के देखा नहीं 2 साल तक। हालाँकि वीडियो बना के मैं डालता रहता था और जो है पता था कि यूट्यूब से जो है वीडियो पे मोनेटाइज होने के बाद ऐड चलती है, उसकी जो है पेमेंट हमें देता है यूट्यूब, तो इतना मुझे पता था। लेकिन वो जो इनकम होती है वो एडसेंस में मेन शो होती है, वो सारी इनकम जो है एडसेंस में जो है जुड़ती है, इस बात का मुझे पता नहीं था। मैं वीडियो बनाता, अपना डालता, अपने काम में जो है लगा रहा था। अभी 2 महीने से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, तो अभी 2 महीने बाद जब मैंने पिछले महीने खोल के देखा अपना यूट्यूब का चैनल, तो उसमें जो है बाकायदा मेल आई हुई थी आप सामने ही डैशबोर्ड पे, एक जो है लिखा हुआ था कि आप जो है अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को वेरीफाई कीजिए ताकि फ्यूचर पेमेंट जो आपको मिल सके, वरना फिर आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगी। तो मैंने जो है उसको जो है जल्दी से ऑन किया। ऑन करने के बाद जो है मैंने अपना एड्रेस वहाँ पे डाला, पिन नंबर वगैरह सारा कुछ डालने के बाद उसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हालांकि दोस्तों 3 अटैम्प्ट होते हैं, जब मैंने वो सबमिट किया, सबमिट करने के बाद लिखा आया था वहाँ पे कि आपको जो है ये पिन पहुँचने में 2 से 4 हफ्ते तक जो है लग सकते हैं, तो इतना बड़ा इशू होता नहीं है। अगर एक बारी में अगर ये ना पहुँचे तो दूसरी बार में आप कोशिश कर सकते हो, तीसरी बार में भी कोशिश कर सकते हो। अगर तीनों अटैम्प्ट जो है फेल हो जाए किसी कारणवश, आप कहीं दूर रहते हो, कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पे जो है पोस्ट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ 3 अटैम्प्ट होने के बाद भी आप जो है मेल के थ्रू भी अपना पिन एड्रेस वेरिफिकेशन करवा सकते हो, तो इतना बड़ा इशू होता नहीं। लेकिन अगर एक बार में ही पिन आ जाए तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैंने जैसे मैं हर महीने खोल के देखता था चैनल का, तो इनकम उसमें शो करता था कि अभी जो है इतने डॉलर तो जो है आपका रेवेन्यू हो चुका है। तो नेक्स्ट महीने जब मैंने खोल के देखा तो वो बिल्कुल फिर 0 हो जाता था, क्योंकि वो सारी इनकम जो होती है हर महीने की वो एडसेंस में जो है जमा होती रहती है, एडसेंस में जो है वो सारे डॉलर जुड़ते रहते हैं। तो मुझे उस बात का पता था नहीं। जब मैंने वो दोबारा से खोल के देखा एडसेंस, तो उसमें टोटल इनकम मेरी शो हुई, मैंने वो सारा वेरिफिकेशन करवाया। अब मैं कल जैसे सोच ही रहा था कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2 से 4 हफ्ते तक जो है ये अपना पिन जो है हमारे घर पर आ जाता है, लेकिन 2 से 4 हफ्ते होने ही वाले थे, मैं कल सोच ही रहा था। लेकिन शाम को जो पोस्टमैन आया और उसने जो मुझे ये पिन दिया, अभी मैं ये पिन जो है इस तरीके से होता है दोस्तों, आप देख सकते हो सिर्फ ये एनवेलप टाइप में होता है, इसके अंदर ये पिन होता है, सिर्फ ये पिन होता है, ये आपको जो है अपने एडसेंस अकाउंट में जाके डालना होता है और उसके बाद आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। हालांकि इसमें लिखा होता है कि आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे, सिंपल प्रोसेस होता है वैसे भी, लेकिन मैं आपको करके भी एक बार जो है दिखा देता हूँ। मेन बात दोस्तों ये है कि जब भी आप, मैंने जब अपना एड्रेस ये डाला था तो एड्रेस डालने के बाद मैंने फ़ोन नंबर नहीं दिया था, इसलिए मैं थोड़ा पजल था कि हो सकता है कि पोस्ट में जो है पोस्ट ऑफिस में मेरा ये पिन रखा हो और फ़ोन नंबर ना होने की वजह से पोस्टमैन जो है ना पहुंच पा रहा हो, इसलिए मैं जो है आज जो है जाने वाला था पोस्ट ऑफिस में, लेकिन कल शाम को ये पिन मेरा आई गया। इसमें आपको 2 बातें करनी होंगी दोस्तों। जैसे ही आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपना एड्रेस डालोगे, तो एड्रेस में पिन के साथ डॉट लगा के थोड़ा सा आगे स्पेस देने के बाद अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। ऐसा करने से जो है ईजी हो जाता है, क्योंकि जो ये डिस्प्ले होती है फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ आपका एड्रेस ही शो होता है और इसमें कुछ नहीं होता है, दोनों साइड में सिर्फ इस साइड में गूगल एडसेंस लिखा हुआ है, इस साइड में आपका एड्रेस लिखा हुआ है। तो जब भी आप कभी एड्रेस डालो अपने वेरिफिकेशन के लिए, तो पिन के साथ स्पेस देने के बाद जो है अपना फ़ोन नंबर भी साथ में ऐड कर सकते हो, ताकि पोस्टमैन को आसानी रहे आप तक जो है एड्रेस ये कोरियर पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, गूगल एडसेंस जो होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए तभी आपको मेल डालता है, तभी आपको बोलता है जब आपके अकाउंट में जो है मिनिमम $10 जुड़ जाते हैं, या फिर आप तभी ही अप्लाई कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए
जब आपके अकाउंट में $10 जुड़ जाएं, या फिर उसके बाद कभी भी आप कर सकते हो। तो मिनिमम $10 आपके पास जो है होने चाहिए आपके अकाउंट में। हालांकि जो टोटल रेवेन्यू होता है आपके यूट्यूब चैनल का, वो आपको मिलने के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है कुछ बैंक डिटेल भी देनी होती है, और एक दो काम और होते हैं वो भी करने होते हैं। उसके बाद जो है यूट्यूब आपको वो मंथली वाइज जो है आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो एक तो ये वीडियो होगी दोस्तों कि कैसे पिन को वेरीफाई करते हैं। अभी मैं आपको लैपटॉप पे चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसको वेरीफाई करोगे। ये सबसे पहले हम गूगल एडसेंस टाइप करेंगे। गूगल एडसेंस में जाके साइन इन करेंगे हम अपने अकाउंट में। ये हमारा अकाउंट आ गया, तो ये पेज हमारे सामने खुल गया है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो इस एड्रेस को हम वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ पे जो है हमारा जो इनकम होती है यूट्यूब के जरिए एडसेंस की जो इनकम होती है वो शो करती है। मैंने जो है इसको हिडन किया हुआ है, ये यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए जो है मैं इसको शो नहीं कर सकता। बाकी क्या इनकम है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस पिन को जो है वेरीफाई करवाते हैं। यू हैव 3 अटैम्प्ट रिमेनिंग। योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। पिन करेक्ट, हमारा एड्रेस जो है वेरीफाई हो चुका है। तो ये सिंपल तरीका होता है दोस्तों वेरीफाई करवाने का। हालांकि उस जो लेटर आता है उसके ऊपर भी लिखा होता है किस तरीके से जो है वेरीफाई करवा सकते हैं, और वैसे भी सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।